नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत है वेटेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेनली इनपुट डिवाइसेस के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो मेजर इनपुट डिवाइसेज हैं जिनका आज के समय ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, एक्चुअल में इनपुट डिवाइस क्या होता है। एक इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब ये इनपुट दो तरीके का हो सकता है। यहाँ पे या तो इनपुट आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई कंट्रोल सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अपना नाम टाइप करके कंप्यूटर को लिखना है। आपको आपने कंप्यूटर में कोई वर्ड प्रोसेसर जैसा कोई सॉफ्टवेयर चलाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने MS वर्ड चलाया है कंप्यूटर में, और आपको वहाँ पर अपना नाम टाइप करके लिखना है। ठीक है, तो आप वहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ करोगे और अपना नाम टाइप करके लिख लोगे, तो वो एक डेटा का फॉर्म है। आप डेटा के तौर पर कंप्यूटर को इनपुट वहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए आपको वही सॉफ्टवेयर ओपन करना है। मान लीजिए आपको MS वर्ड ओपन करना है, तो वहाँ पे आप माउस का यूज़ करते हो। जो स्क्रीन पे पॉइंटर होता है उसको आप सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसके आइकन पर उसको पॉइंट करोगे, उसके बाद माउस पर डबल क्लिक करते हो, तब जाके कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करेगा और उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके आपको देगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। पहले एग्जांपल में आप डेटा कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर दे रहे थे, जबकि दूसरे एग्जांपल में आप एक कमांड कंप्यूटर को दे रहे थे माउस के थ्रू। ठीक है, जिसको हम कमांड सिग्नल भी बोल सकते हैं। तो या तो इनपुट आपके डेटा के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कमांड सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और उसके इनपुट के बाद जो कंप्यूटर है वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद रिजल्ट में हमें कोई आउटपुट देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो कीबोर्ड होता है वो सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें बहुत सारी हमारे पास कीज़ होती हैं, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के लिए हमारे पास अलग अलग कीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती है जिनका यूज़ हम कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शंस को यूज़ करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो कीबोर्ड आज के समय हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्वाड्री कीबोर्ड भी हम कह सकते हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो कीज़ का सिक्वेंस है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो। और उसके अलावा जो ये कीबोर्ड है इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम USB या फिर PS2 केबल्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आज के समय USB का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आज के समय वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ हम करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कीबोर्ड की हिस्ट्री की। अब देखिए, कीबोर्ड का इन्वेंशन टाइपराइटर से हुआ है। सबसे पहले टाइपराइटर्स का इन्वेंशन हुआ था, और टाइपराइटर्स बस मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे और उसके ऊपर जो मैकेनिकल लीवर्स होते थे उनका यूज़ कीज़ के तौर पर किया जाता था। तो सबसे पहला जो हमारा टाइपराइटर था, क्वालिटी कीबोर्ड टाइपराइटर जिसको हम कह सकते हैं, और उस टाइपराइटर का इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। ये अमेरिकन इन्वेंटर थे, ये उनकी इमेज है। तो इन्होंने इन्वेंट किया था पहला टाइपराइटर। और देखिए, जो एक टाइपराइटर है इसने रिप्लेस किया था उस समय के एक बहुत ही मेजर इनपुट डिवाइस को, पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है, चलिए इस वीडियो में भी थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, पंच कार्ड क्या थे। जो पुराने हमारे कंप्यूटर्स थे, मैकेनिकल कंप्यूटर मेनली, ठीक है, चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन और उसके बाद के जो भी मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे Mark 1 तक के, तो सारे के सारे कंप्यूटर्स इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ करते थे। इस तरह से कुछ ये दिखता था पंच कार्ड। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई इनपुट डिवाइसेस नहीं थे, उस समय हमारे पास कोई कीबोर्ड नहीं था, उस समय हमारे पास कोई माउस नहीं था, तो पंच कार्ड्स को यूज़ करते थे इनपुट डिवाइस के तौर पर। ये सिंपली एक कागज़ की शीट होती थी जिस पे बीच बीच में होल्स होते थे, तो जो ये होल्स होते थे ये डेटा को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो पंच कार्ड्स को रिप्लेस किया था टाइपराइटर्स ने। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वैसे कीबोर्ड्स की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बहुत तरह के कीबोर्ड हमारे पास हो सकते हैं। स्पेशल पर्पस कीबोर्ड होते हैं, अलग अलग पर्पस के हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाता है, कोई छोटे कोई बड़े, कीज़ का जो नंबर है वो भी उनके पर्पस के हिसाब से घटता बढ़ता है। मैं आपके लिए कुछ एक कीबोर्ड्स के जो टाइप्स है वो लेकर आया हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है वो है कीयर, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह वो दिखता है।
सिंपली उसको हम हाथ पे यूज करते हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा कीज नहीं होती है जैसे कि आप इमेज पर देख सकते हो। और कोई भी हमें जब इनपुट कंप्यूटर को देना है तो हम बस अपने एक सिंगल हाथ का यूज करके कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो कीबोर्ड का टाइप है उसको हम की सेट कह सकते हैं या फिर कॉर्डेड कीबोर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको इमेज पे दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो कीबोर्ड है इस पे हम कंप्यूटर को कोई कमांड देने के लिए एक साथ बहुत सारे कीज़ को प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि कॉर्ड होता है या फिर पियानो होता है, कुछ उसी तरह का ये होता है, तभी इसका नाम कॉर्डेड कीबोर्ड भी हम बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उस पर एक पॉइंटर आता है, एरो का कुछ साइन होता है, कुछ इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ओके, तो कभी भी हमें जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हमें ओपन करनी है, तो हम जो ये पॉइंटर है इसको सॉफ्टवेयर की आइकन पे पॉइंट करते हैं, उसके बाद माउस से डबल क्लिक वहाँ पे करते हैं और कंप्यूटर फिर हमें वो सॉफ्टवेयर ओपन करके देता है, ठीक है। अब जो भी डिवाइसेस हमारे, जो भी इनपुट डिवाइसेस हमारे हैं जिसके थ्रू हम पॉइंटर्स को मूव कर सकते हैं, उनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में सबसे जो मेजर एक डिवाइस है वो है माउस। ज़्यादातर लोग पॉइंटर को मूव करने के लिए माउस का ही यूज़ करते हैं, उस पर दो बटन होते हैं, ठीक है, और एक स्क्रॉलिंग व्हील हमें मिलता है। इसके अलावा अगर माउस की हिस्ट्री की बात की जाए तो माउस का जो इन्वेंशन है वो क्या था, डगलस सी एंगलबर्ट ने 1963 में, ओके, और कुछ इस तरह का दिखता था पहला जो माउस था, लकड़ी का ये बना हुआ है, ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हो लकड़ी का ये बना हुआ है, इसकी जो बाहर की बॉडी है वो लकड़ी की है जबकि अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। रोलर बॉल को इसमें इंटीग्रेट किया गया था और जैसे जैसे वो रोलर बॉल मूव करती थी उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे अंदर कुछ सेंसर थे, इसी के थ्रू हम कंप्यूटर का जो पॉइंटर होता है उसको मूव कर पाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है माउस के टाइप्स। देखिए मेनली जो माउस है उसके तीन टाइप्स आते हैं, ठीक है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। मैकेनिकल माउस में वहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हो एक रबर बॉल का यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये माउस है यहाँ पे नीचे उसके एक रबर बॉल इंस्टॉल की गई होती है, ठीक है, और सरफेस पे जब हम माउस को मूव करते हैं तो वो रबर बॉल मूव करती है और उस रबर बॉल को की जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए अंदर सेंसर लगे होते हैं और जैसे जैसे ये बॉल मूव करती है उसी की अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करता है। आज के समय ज़्यादातर मैकेनिकल माउसेस का यूज़ नहीं होता है, आज के समय हम जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस है। अब देखिए ऑप्टिकल माउस में क्या है, ऑप्टिकल माउस ने हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो ये माउस है यहाँ पे हम एक लाइट बीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा जो ऑप्टिकल माउस है जो आज के समय ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं तो माउस के नीचे एक लाइट होती है रेड कलर की मेनली होती है, ठीक है, तो जो लाइट होती है माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है और उसके बाद सिग्नल कंप्यूटर को भेजा जाता है और फिर जो कंप्यूटर है वो माउस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंटर को मूव करता है। उसके अलावा कॉर्डलेस या फिर वायरलेस माउस कह लो, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लूटूथ वाईफाई इनका यूज़ करते हैं अपने जो पॉइंटर है उसको मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन मेजर टाइप्स हैं माउस के। देखिए फिर आता है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल को हम माउस में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इस ये एक तरह का माउस ही है, कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। यहाँ पे इस डिवाइस पे देखिए ऊपर यहाँ पे एक बॉल हमने इंस्टॉल की होती है, ठीक है। अब ये बॉल चारों तरफ मूव कर सकती है, ठीक है, और इस बॉल को मूव करने के लिए हम अपने फिंगर्स थम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर पॉइंटर हमारी स्क्रीन पर मूव करता है, ओके। अब देखिए माउस के मुकाबले इसका जो एक फ़ायदा है जो माउस में हमें नहीं मिल सकता है वो ये है कि देखिए माउस को यूज़ करने के लिए आपके पास एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप माउस को थोड़ा मूव कर पाओ, ठीक है, जबकि इस डिवाइस के साथ ऐसा नहीं है, इसको आपको कहीं भी मूव नहीं करना है, इस डिवाइस को आप एक जगह पे मतलब रख लोगे फिक्स वहाँ पर वहीं पर रहेगा, सिर्फ आपको ये जो बॉल है
आपको इसको मूव करना है। तो ये है ट्रैक बॉल, फिर आता है जॉयस्टिक। अगेन ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, इसका यूज़ भी हम पॉइंटर को मूव करने के लिए करते हैं। अब देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का ये होता है, एक स्फेरिकल बेस में यहाँ पे एक स्टिक इंसर्ट की गई होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस स्टिक को मूव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करेगा, ओके। और जो दुनिया का जो सबसे पहला जो जॉयस्टिक था उसको इन्वेंट किया था सीबी मेरिक ने, जो कि यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते थे। अब आता है देखिए टच पैड। देखिए टच पैड आज के समय सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एक तरह से ये माउस का एक सब्सिट्यूट है, जो भी काम आप माउस से कर सकते हो वो सेम काम आप टच पैड से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप बस अपने फिंगर्स की मदद से, पॉइंटर होता है उसको आप मूव कर पाते हो। उसके अलावा इस पे दो बटन्स होते हैं सेम माउस की तरह, एक लेफ्ट और एक राइट बटन होता है, ठीक है। तो ये है टच पैड, जो भी आज के समय हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं हर एक लैपटॉप में टच पैड आता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए फिर आता है टच स्क्रीन। देखिए टच स्क्रीन एक्चुअल में एक डिजिटल स्क्रीन ही है, बट उसको हम यूज़ करते हैं एक इनपुट डिवाइस के तौर पर। वहाँ पे हम बस अपनी फिंगर्स के थ्रू नेविगेट कर पाते हैं, ठीक है। माउस का ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। तो आज के समय टच स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। स्मार्टफोन्स तो मैक्सिमम जो भी आते हैं वो टच स्क्रीन में ही आते हैं, ठीक है। अब जब इसके कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो टच स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो दिया था ई ए जॉनसन ने 1965 में, ठीक है। और इसको डेवलप किया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के दो साइंटिस्ट थे, फ्रैंक बेक और बेंट स्टंप। इन्होंने एक्चुअल में डेवलप किया था टच स्क्रीन को, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, कुछ एक फैक्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आपके वीडियो इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए वीडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपके रियल वर्ल्ड से इमेजेस को कैप्चर करते हैं या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और उनको डिजिटलाइज करते हैं, और फिर हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मेजर वीडियो इनपुट डिवाइसेस आज के समय हैं। तो देखिए डिजिटल कैमरा क्या करता है, डिजिटल कैमरा इमेजेस कैप्चर करता है, वीडियोस रिकॉर्ड करता है, तो फिर हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो सारे काम कंप्यूटर डिजिटल कैमरा कर सकता है, उसके लिए हम वहाँ पे हम एक इमेज सेंसर चिप को यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल कैमराज जो थे उनमें हम यूज़ करते थे फिल्म्स या फिर रील्स उनको कह लो। अब देखिए ये डिजिटल कैमरा काम कैसे करते हैं, इनके जो काम करने का जो मेन इनकी जो टेक्निक है वो क्या है। देखिए क्या होता क्या है, जब कैमरा के लेंस से लाइट स्ट्राइक करती है हमारे फोटो सेंसर को, ठीक है, इमेज सेंसर चिप को जब लाइट स्ट्राइक करती है, तो जो ये सेंसर है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं, और इस प्रोसेस से हमारी जो इमेज है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। अगर कैमरा की हिस्ट्री की बात की जाए कि किसने सबसे पहले इन्वेंट किया था पहला डिजिटल कैमरा, तो हम कह सकते हैं कि स्टीवन सेजन ने इन्वेंट किया था पहला सेल्फ कंटेन्ड डिजिटल कैमरा 1975 में। कोडैक एक कंपनी थी, उसमें ये काम करते थे उस समय, ठीक है। और ये जो कैमरा है, यहाँ पे आप उसकी इमेज देख सकते हो, ये जो कैमरा है इसका वेट था करीब 3.6 kg। तो आप सोच सकते हो कि कितना ये हैवी था कैमरा, जबकि जो इसका रेजोल्यूशन था वो 100x100 पिक्सल था, यानी कि 0.01 MP का ये कैमरा था, ठीक है। और इसमें CCD इमेज सेंसर का यूज़ किया गया था। फिर आते हैं हमारे हमारे स्किन स्कैनर। स्कैनर भी एक वीडियो इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए स्कैनर क्या करते हैं, स्कैनर कोई इमेज या फिर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। वहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट था या फिर इमेज थी उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपके हैंड हेल्ड स्कैनर आते हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड स्कैनर देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, मेनली इनको जो शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर दुकानें हैं उनमें यूज़ करते हैं। इनको बारकोड स्कैनर भी कहा जाता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब आता है ना, तो उसकी जो पैकेट होता है उस पर एक कोड होता है जिसपे बहुत सारी लाइन्स होती हैं, ठीक है, उसको बारकोड कहते हैं। और उसको स्कैन करने के लिए हम इस स्कैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए फिर आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में क्या करते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, इसकी मदद से हम जो हैंड रिटन कैरेक्टर्स या फिर कोई टाइप की हुए कैरेक्टर्स उनको हम डिजिटलाइज करते हैं, उनको स्कैन करके हम डिजिटलाइज करते हैं, जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हो। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर एग्जांपल पीडीएफ वगैरह उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब देखिए, जो हमारे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हैं जिनसे कि हम स्कैन कर सकते हैं जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनको, तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक पे काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टेक्निक है, आपने उसके बारे में सुना होगा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, दोनों काफ़ी सिमिलर है लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दोनों के बीच है। सबसे पहले तो समझते हैं कि OMR है क्या। अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे हमें MCQ पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे जो आंसर शीट हमें मिलती है उसको हम OMR शीट कहते हैं। ठीक है, तो उस पे क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं और उनके जो भी ऑप्शंस हैं उनकी सीरियल नंबर्स वहाँ पे प्रिंट ऑलरेडी प्रिंट किए गए होते हैं, आपको बस पेन से उसको मार्क करना होता है, जो आपको सही आंसर लगता है उस ऑप्शन पे जो सीरियल नंबर है तो उसको आपको मार्क करना होता है। इनको हम OMR रीडर से चेक करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, जो OMR है यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये सिर्फ बस इतना ही डिटेक्ट करेगा कि कोई मार्क वहाँ पर है, कोई निशान वहाँ पर है कि नहीं है। ठीक है, जबकि जो OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मार्क है एक्चुअल में वो, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो मार्क कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, कैरेक्टर्स हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो OCR को एक्चुअल में डिटेक्ट करना होता है कि जो मार्क है, ठीक है, या फिर कैरेक्टर है वो एक्चुअल में कौन सा कैरेक्टर है। इसके अलावा OMR रीडर को यूज़ किया जाता है OMR शीट्स को रीड करने के लिए, जहाँ पे इसका काम बस टेबुलेट करना होता है, जबकि दूसरी तरफ आपका जो OCR है, देखिए इस तरह का भी OCR हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं उनको एक एडिटेबल डिजिटल फॉर्मेट में वहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है हम उसको MS Word में लिख सकते हैं, जैसे MS Word में हम टाइप करके लिखते हैं, सेम उसी तरह से उसके जो हर एक कैरेक्टर हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम नया कोई कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई पुराना जो कैरेक्टर है उसको हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए, OCR जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो एक कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि एक्चुअल में कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट है, कोई नंबर है या फिर कोई सिंबल है। जबकि OMR दूसरी साइड इसको इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है, इसको बस ये देखना होता है कि कोई मार्क है या फिर नहीं है। अगर मार्क है और सही जगह पे है तो वो आपका मार्क जो एग्ज़ाम का जो नंबर है वो ऐड करेगा, अगर आपके वहाँ पे मार्क गलत जगह पे हैं तो वो वहाँ पे आपको नंबर नहीं जोड़ेगा। तो बस इतना सा एक सिंपल फ़र्क है दोनों में। देखिए, फिर आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो हमारे OCR थे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन उसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस एक मेजर इसमें डिफरेंस है। अब देखिए, जो हमारा OCR था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उस टेक्निक में हम किसी भी तरह का जो कैरेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते थे। ठीक है, बट जो हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये हर तरह के कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। अगर कोई कैरेक्टर हमने मैग्नेटिक इंक से लिखा है तभी हम इस डिवाइस के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक इंक का काफ़ी रोल रहता है, और जो ये डिवाइस है MICR, इसको ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। जो चेक होते हैं तो चेक में जो बॉटम में कुछ इंफॉर्मेशन लिख कर आती है तो वो एक्चुअल में मैग्नेटिक इंक से लिखी गई होती है, और जो हमारा MICR है वो उसको डिटेक्ट करता है। फिर आते हैं हमारे वॉइस इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए, जो वॉइस इनपुट डिवाइसेस हैं वो मेनली क्या करते हैं? अब देखिए, जो हमारी वॉइस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल ही समझता है। ठीक है, तो इनका काम यही होता है कि ये आपका ऑडियो वेव्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, ताकि जो कंप्यूटर है वो उसको यूज़ कर पाए।
या फिर स्टोर कर पाएं। ठीक है, तो जो वॉइस इनपुट डिवाइस है इसमें सबसे जो मेजर डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। ठीक है, शायद इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपकी साउंड वाइब्रेशन को ये कन्वर्ट करता है ऑडियो सिग्नल्स में, और ऑडियो सिग्नल्स कन्वर्ट किए जाते हैं डिजिटल डेटा में, जिनको कि हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और डिजिटल डेटा ही है जिसको जिसको कंप्यूटर मैनिपुलेट कर सकता है। देखिए, अगर हम माइक्रोफोन के इन्वेंशन की बात करें या फिर हम माइक्रोफोन के हिस्ट्री की हम बात करें कि सबसे पहले माइक्रोफोन को किसने इन्वेंट किया था, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता होगा ये वही इंसान थे जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। जब इन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था उसी के साथ इन्होंने पहला माइक्रोफोन भी इन्वेंट किया था, बट ये एक प्रॉपर माइक्रोफोन नहीं था, ये एक लिक्विड डिवाइस था और काफ़ी इसकी पुअर साउंड क्वालिटी थी। ठीक है, उसके बाद 1877 में प्रॉपर हमारे पास माइक्रोफोन इन्वेंट किया गया। ठीक है, जिसको नाम दिया गया कार्बन माइक्रोफोन। इसके डेवलपमेंट के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक्चुअल में हुआ ये था कि सेम डिवाइस को दो अलग अलग इन्वेंटर्स ने सेम टाइम पर इसको डेवलप किया, और उसके बाद उनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक काफ़ी लीगल बैटल चली उसके क्रेडिट को लेके या फिर उसके पेटेंट को लेके। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था कि जो हमारा कार्बन माइक्रोफोन था इसको डेविड एडवर्ड ह्यूज ने इंग्लैंड में, और एमिली बर्लिनर और थॉमस एडिसन ने यूएस में सेम ईयर 1877 में डेवलप किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसके पेटेंट को लेके दोनों में एक लीगल बैटल चली थी, और फाइनली जो इसका पेटेंट है वो थॉमस एडिसन को मिला था। थॉमस एडिसन, अगर आपने नाम सुना है, काफ़ी फेमस इन्वेंटर है। ठीक है, लाइट बल्ब को इन्हीं ने इन्वेंट किया है, तो इनको ही इसका पेटेंट मिला था। अब देखिए अगर माइक्रोफोन की टाइप्स की बात करें तो मेनली तीन टाइप्स के हमारे पास माइक्रोफोन्स होते हैं, डायनेमिक होते हैं, कंडेंसर या फिर रिबन। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस इनकी टेक्निक को लेकर हैं कि कौन सी टेक्निक को ये यूज़ करते हैं आपकी साउंड वेव्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। बस इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, इनकी जो मेन टेक्निक है उसके बारे में हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो मेन तीन टाइप्स है माइक्रोफोन्स के वो कौन कौन से हैं। देखिए फिर आते हैं गेमिंग डिवाइसेस। जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं इनपुट देने के लिए वहाँ पे, तो उनको गेमिंग डिवाइसेस हम कहते हैं। और बहुत सारे गेमिंग डिवाइसेस आज के समय यूज़ किए जाते हैं, कुछ एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो स्टेयरिंग व्हील, देखिए स्टेयरिंग व्हील जैसा कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है गाड़ियों में, जो स्टेयरिंग व्हील होता है सेम उसी तरह से इसको भी यूज़ किया जाता है। जो कार रेसिंग जैसी गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स होती हैं, वहाँ पे इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा पैडल है, पैडल का भी सेम जैसे रियल वर्ल्ड में पैडल्स होते हैं, ठीक है, वैसे वीडियो गेम्स में इनका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा लाइट गन है, वहाँ पे किसी एक टारगेट को पॉइंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस भी हैं आज के समय, ये बॉडी जेस्चर को ही इनपुट के तौर पर लेते हैं और उसके बाद हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। आज के समय तो जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि हमारे जेस्चर के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो वीडियो गेम्स में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, या फिर कह लो जेस्चर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, देखिए फिर आते हैं वीआर डिवाइसेस। अब यहाँ पे वीआर का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, देखिए वर्चुअल रियलिटी एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है जो कि कंप्यूटर से कम्प्लीटली तैयार किया गया होता है। ठीक है, और उसको एक्सेस करने के लिए या फिर उसमें एंटर करने के लिए हम लोग वीआर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हेडसेट, ग्लव्स, हेडफोन्स। ठीक है, और फ्यूचर में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने वाली है, मेटावर्स वगैरह वो भी वर्चुअल रियलिटी के ही एग्जांपल्स हैं। अब देखिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं। अब एक ह्यूमन है, उसकी कुछ बायोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फिंगरप्रिंट्स,
हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ठीक है। तो इन्हीं बायोलॉजिकल फीचर्स को यूज़ करके जब किसी इंसान को आइडेंटिफाई किया जाता है, वहीं पे काम आते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ठीक है। तो सब तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस के। तो सबसे पहले फेस स्कैनर। अब देखिए फेस स्कैनर क्या करता है, ये आपका जो फेस है उसको कैप्चर करता है पहले, ठीक है। तो आपका स्पेस का ये मेजर लेता है कि फॉर एग्जांपल आपकी आंखों के बीच का साइज, ठीक है, और इस तरह के कुछ मेजरमेंट ये लेता है। और उसके बाद ये जो भी इसको इनपुट देता है उसको कंपेयर करता है अपने जो स्टोर्ड इसका पहले से जो इमेज थी उसके साथ। ये एक रियल इंसान और इमेज के बीच का फ़र्क भी ये समझ सकते हैं। उसके अलावा हैंड स्कैनर होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इंसानों के जो हाथ होते हैं, हमारे हाथ में ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी, मेनली जो वेंस होती है, उनका पैटर्न सबका यूनिक होता है, ठीक है। और इसी चीज़ का यूज़ हैंड स्कैनर यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट का तो हम सबको पता ही है, सबके जो फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न है सबके बिल्कुल यूनिक होता है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं। उसके अलावा रेटिना और आयरिस स्कैनर होता है, ठीक है। हर इंसान की जो रेटिना होता है तो उसका उसका भी पैटर्न अलग होता है और उसको कॉपी करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इस चीज़ को स्कैन करने के लिए हमारे पास रेटिना और आयरिस स्कैनर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वॉइस स्कैनर होता है। वॉइस स्कैनर में भी सेम किसी पर्सन की पहले हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है बायोमेट्रिक डिवाइसेस के। अब इसके अलावा देखिए कुछ और भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल लाइट पेन ले लीजिए, ठीक है। लाइट पेन सिंपली पेन की तरह दिखता है, बट इसके थ्रू हम जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसी से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इसकी जो निब है वो किसी जिस भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे पॉइंट करेगी, वो सिग्नल कंप्यूटर को जाएगा और फिर हम उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर में अपने जो भी टास्क है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो पहला लाइट पेन था वो इन्वेंट किया गया था अराउंड 1955 के आसपास, और ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट था। उसके अलावा डिजिटाइजर। अब देखिए डिजिटाइज़र एक फ्लैट सरफेस होता है, जैसे कि स्लेट्स होती हैं ना, सेम उसी तरह का होता है डिजिटाइज़र। अब डिजिटाइज़र के साथ हम यूज़ करते हैं स्टाइलस। देखिए स्टाइलस कुछ नहीं है, ये एक पेन की तरह होता है, जैसा मेरे पास है ये भी एक स्टाइलस का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम स्टाइलस से जो कुछ भी डिजिटाइज़र पे लिखते हैं सेम वही पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे काम, या फिर इंजीनियरिंग जैसे ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर को जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। देखिए फिर आते हैं रिमोट। अब रिमोट तो हम सब ने यूज़ किए ही होंगे, अपने टीवी के रिमोट या फिर एसी के रिमोट, अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग रिमोट्स होते हैं। अब जो ये रिमोट होते हैं दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर इस रिमोट के इन्वेंशन की बात की जाए तो पहला जो टीवी रिमोट था, कॉर्डलेस टीवी रिमोट था, उसको इन्वेंट किया था डॉक्टर रॉबर्ट एडलर ने 1956 में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।